ज्योतिष आचार्य जी, नवरात्र का दिन चल रहा है, अष्टमी तिथि के दिन कई घरों में कुलदेवी की पूजा आराधना की जाती है, तो कुलदेवी पूजा का क्या महत्व है और कुलदेवी की जो पूजा विधि है अष्टमी तिथि के दिन वो क्या होनी चाहिए? हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ। कुल देवी देवता की पूजा जो है वह नवरात्र में आवश्यक होता है। आखिर कुलदेवी कौन है? कुलदेवी हमारे कुल की जो देवता होते हैं, जैसे कि हमारे वंश में सिरा जिसको कहते हैं, सिरा घर, हर परिवार में, हर समाज में, हर घर में अपना कुलदेवी होता है, कुल देवता होता है। तो कुल देवी और देवता का मतलब है अपने पूर्वजों की पूजा करना। कुल देवता और कुल देवी जो होती हैं वो पूर्वज की पूजा होती, पूर्वज माना जाता है, पूर्वज से उसको पूजते आ रहे हैं। अब है कि नवरात्रा में ही क्यों, तो ऐसा होता है कि जिस प्रकार से शारदीय नवरात्र आश्विन महीना का कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष जिस प्रकार से पितरों को समर्पित है, उसी प्रकार से यह चैत महीना जो है, चैत महीना का कृष्ण पक्ष जो है वह पितरों को समर्पित है, इसमें पितृ पूजन होता है। तो पितृ पूजन करके यदि आप कुल देवी की पूजा करते हैं तो इसमें सुख और समृद्धि आपके घर में निश्चित होगी, निश्चित बरकरार रहेगी, यह दावा है। क्योंकि जैसे शारदीय नवरात्र में अष्टमी के दिन, महाअष्टमी जिस दिन होता है, उस दिन आप माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और साथ ही साथ अपने कुल देवी की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से चैत्र नवरात्र में भी अष्टमी तिथि को आप देवी की पूजा करें, साथ ही साथ अपना सिरा घर जो है वह कुल देवी की पूजा आप अवश्य करें। यदि आप कुल देवी की पूजा करते हैं तो आपके घर में सुख और समृद्धि निश्चित होगी, और सबसे बड़ी बात है कि शांति घर में बनी रहेगी, और जिस घर में शांति और प्रेम है उसी घर में सुख और समृद्धि है। तो सुख और समृद्धि पाने के लिए आप नवरात्रा में, चेत नवरात्रा जो है या वासंतिक नवरात्रा और शारदीय नवरात्रा की अष्टमी तिथि को अपने कुल देवी की पूजा अवश्य करें। अब कुल देवी की पूजा का विधान क्या है, तो अपने कुल देवी का विधान जो है, जिस विधि से आप आश्विन में करते हैं उसी विधि से आप चैत में भी करके सुख और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं।